मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य में सड़कों के मध्य छूटे हुए कई हिस्सों को पूर्ण करने हेतु मिसिंग लिंक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि मिसिंग लिंक परियोजना जो कि किससे संबंधित है, इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो ये सड़कों के मध्य जो कुछ खड्डे बने होते हैं या फिर कुछ पार्ट छूट जाते हैं तो उन हिस्सों को पूर्ण करने का इसका कार्य होता है। और मिसिंग जो लिंक परियोजना है और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, तो 2003 और 4 के अंदर ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी ने कहाँ निर्मित हुआ था। देश का इंडिया का पहला लोको इंजन जो कि 1895 के अंदर बनाया गया था और इसका जो निर्माण है वो राजस्थान के किस जिले में हुआ था, तो अजमेर के अंदर हुआ था। ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, राजस्थान में नाल हवाई अड्डा कहाँ पे है। राजस्थान के अंदर नाल हवाई अड्डा किस जिले के अंदर है, तो बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पे है, किस जगह पे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो कि सांगानेर के अंदर है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले के अंदर है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी और निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी और निरंतर लगातार बहने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। तो पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पे है। अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पे है, तो 9%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले के अंदर है। राजस्थान के अंदर खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं जो कि किस जिले के अंदर है, ये नागौर के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और आगे भी आ सकता है कि राजस्थान के अंदर चंबल नदी का सबसे पहले प्रवेश जो है किस जिले के अंदर होता है। आप लोग आंसर जरूर बताना और वीडियो के अंत में आप सभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चंबल नदी का सबसे पहले प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है माही नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ऊसर भूमि किसे कहा जाता है। ऊसर भूमि, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। ऊसर भूमि जो है खारी और लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है। किसान के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी मिट्टी कौन सी मिट्टी मानी गई है। बलुई मिट्टी को सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी या फिर किसानों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक आपको बताना है। मिट्टी के उर्वरता और उत्पादकता के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं जैविक तत्व। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी आपको बतानी है। राजस्थान राज्य के अंदर चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है। पीली मिट्टी के क्षेत्र के अंदर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है। मूँगफली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सका, आप लोग उत्तर जरूर देना। और राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। तो राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ जो है धूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वोच्च उपाय है। राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वोच्च उपाय है वृक्षों की पट्टी लगाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राज्य की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। राज्य की कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मात्रा पाई जाती है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार जो है किस जिले के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाई माधोपुर इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान के अंदर मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था। तो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था भारत सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान में किस ज़िले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर सूर्य की जो किरणें सबसे ज़्यादा तिरछापन दिखाती है। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर रहेगा, श्री गंगानगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान में केंद्रीय जो अनुसंधान केंद्र है वो किस ज़िले के अंदर है। राजस्थान के अंदर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो कि जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वार्षिक विषमता, सर्वाधिक जलवायु विषमता या फिर सर्वाधिक शुष्क जलवायु, सर्वाधिक एरिया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन जो है सबसे कम होता है। राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम होता है भरतपुर के अंदर। ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। इसका उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है, कॉमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि इंडिया के अंदर राजस्थान में जो है जिप्सम का उत्पादन का कौन सा रैंक है। सही उत्तर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और ये भी बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट और राय या सुझाव देना आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। और रोज़ाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।